तो देखो बच्चों, पाचन तंत्र को 8 पॉइंटों में कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है, और बिल्कुल इजी बना दिया पाचन तंत्र को। क्या बना दिया? इजी बना दिया। पहले तो आप पाचन तंत्र का डायग्राम देखो। ये डायग्राम है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? ऊपरी ऊपर शुरुआत में 1 से 3 खंड जो है वो मुख गुहा दिख रही है, चौथा खंड पर गर्सनी दिख रही है, 5 से 8 के बीच में गर्सिका दिख रही है, और 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में आपको पेशनी दिख रही है, और 9 से 14 के बीच में आपको अमाशय दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अमाशय दिख रहा है। और उसके बाद में अंतर शुरू हो जाती है, 15वें खंड से लेकर के अंतिम खंड तक आंत है, और आंत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व टिफ्लोसोलर क्षेत्र, और दूसरी क्या है? टिफ्लोसोलर, और लास्ट 3 नंबर क्या है? पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र, ठीक है। अब देखो बच्चों, पाचन तंत्र को 8 पॉइंटों में डिवाइड किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, बिल्कुल इजी बना दिया हमने इसको। सबसे पहले पहला जो खंड है वो मुख है, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोस्टोमियम। क्या कहते हैं? प्रोस्टोमियम, ठीक है, इसको प्रोस्टोमियम कह रहे हैं। पहले खंड को हम क्या कह रहे हैं? प्रोस्टोमियम कह रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, आपने देखा ना, इसके अंदर क्या है? अर्धचंद्राकार संरचना थी, जिसको हमने क्या बोला? प्रोस्टोमियम। अर्धचंद्राकार संरचना है, जिसको हमने प्रोस्टोमियम बोल दिया। और ये जो पहला जो ये खंड है, इस खंड को हमने क्या बोल दिया? परितुंड, ठीक है, परितुंड बोल दिया। अब इसके बाद में शुरू होता है, पहले से 3 नंबर खंड तक होता है मुख गुहा। जैसे आप इधर देखो, ये मेरा मुख है, आगे का जो हिस्सा है ये मुख है, लेकिन कोई भी रोटी का टुकड़ा मैंने अंदर लिया, मुख के अंदर लिया, खा रहा हूँ, जिसमें सारे के सारे दांत हैं, जीभ है, और जीभ के ऊपर पूरी की पूरी लार है, ये मेरी है मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। गुहा का मतलब गुफा से समझो आप, जैसे कोई शेर है वो गुफा में बैठा रहता ना, वैसे ही भोजन इसके अंदर बैठा रहता है, ठीक है, तो गुफा से गुहा समझो आप, ये मुख गुहा है, जिसके अंदर भोजन जो है वो चबाया जाता है, ठीक है, उसको पीसा जाता है। मुख गुहा 1 से 3 नंबर खंड तक क्या है? मुख गुहा है, बस इतनी बात याद रखो। चौथा खंड जो है ये है गर्सनी, 4 नंबर खंड जो है वो क्या है बच्चों? गर्सनी है, चौथा खंड गर्सनी है। अब इस गर्सनी में क्या होता है? इसमें 2 काम होते हैं, ध्यान से देखो, इसके अंदर जो लार होती है ना, लार, वो लार क्या काम करती है? भोजन को नम बनाती है। भोजन को क्या बनाती है? नम, याद रखो इस बात को, भोजन को नम बनाती है। और इसके अलावा क्या करती है? मान लो जो मिट्टी केचुए ने खाई है, उसके अंदर प्रोटीन है, उस प्रोटीन को उसका पाचन करेगी किस एंजाइम से? प्रोटीएस एंजाइम से, ठीक है, क्या करेगी? प्रोटीन का पाचन करेगी, प्रोटीन का अपघटन कर देगी ये यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। एक मिनट आप रुको, थोड़ा सा मैं अलग देख रहा हूँ। ये यहाँ पे क्या कर रही है? पाचन का कार्य इसने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप, इसके बाद में प्रोटीएस एंजाइम है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन प्रोटीएस एंजाइम कर रहा है। अब इसके बाद में क्या होगा? भोजन ने गर्सनी से गर्सिका में आ जाएगा,
और गर्सनी गर्सिका क्या करेगी, गर्सिका क्या करेगी, पांच से आठवें खंड तक तो क्या है, गर्सिका है। पांच से आठवें खंड तक क्या है, गर्सिका है। ये गर्सिका गर्सनी से आए हुए भोजन को पेशनी में भेज देगी, पेशनी में। अब पेशनी की संरचना कैसी है आपको पता है ना, पेशनी की संरचना कैसी है, पेशनी ऐसी है देखो, यहाँ से ऐसे होकर के और यहाँ से ऐसी अंडाकार संरचना है, ठीक है, बीच से ऐसे और ऐसी और ऐसी, ठीक है, ये संरचना है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, पेशनी बोलते हैं, जैसा आपने चित्र में देखा ना पेशनी। ये पेशनी क्या करती है, भोजन को पीसने का काम करती है। पै से याद रखो ना, पै से पेशनी नाम है और पै से ही क्या है, पीसना। पेशनी का काम क्या है, भोजन को पीसने का, भोजन को पीसने का काम करेगी, पीसने का कार्य करती है, करती है। इतना काम हो गया। विगर्सिका पांच से आठवां खंड तक है और उसके बाद में आठवें से नौवें खंड के बीच में पेशनी है, जो कैसी है, अंडाकार है। कैसी है बच्चा, अंडाकार है। और इसके अंदर क्या होता है, गांठदार रचना होती है जो भोजन को पीसने का काम करती है। इतनी बात आप याद रखो पेशनी की। मुख जिसको अर्धचंद्राकार है, जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं, और इसी ये अर्धचंद्राकार संरचना ये जिसमें धसी हुई है, इस भाग को पहले खंड को परितुंड कह देते हैं। मुख गुहा एक से तीन तक मुख गुहा है, जिसमें केचुए द्वारा खाया हुआ भोजन प्रवेश करता है और यहाँ से गर्सनी में जाता है। गर्सनी में क्या है, लार है, गर्सनी में लार है, और लार दो काम कर रही है, भोजन को नम कर रही है और प्रोटीएस एंजाइम उसमें मिला रही है, प्रोटीएस एंजाइम मिला रही है। क्यों मिला रही है, प्रोटीन का पाचन करने के लिए। इतनी बात होगी गर्सनी की। गर्सनी से भोजन आया गर्सिका में, गर्सिका इस पूरे भोजन को आगे पहुंचाने का काम करती है पेशनी में। गर्सिका है पांचवें से आठवें खंड के बीच में। पेशनी क्या करती है, आठ से नौवें खंड के बीच एक अंडाकार संरचना है जो भोजन को पीसने का कार्य करती है। इतनी बात तुम्हारी याद हो गई ना। अब यहां से भोजन कहां आता है, अमाशय के अंदर आता है। कहां आएगा, अमाशय के अंदर आएगा। और अमाशय में क्या है, कैल्सीफेरस ग्रंथियां, नाम लिख देता हूं मैं। अमाशय में, अमाशय में क्या है, कैल्सीफेरस ग्रंथियां हैं, कैल्सीफेरस ग्रंथियां हैं जो क्या करेगी। देखो मुख से केचुआ जो मिट्टी खा रहा है, वो मिट्टी कैसी है, ह्यूमिक मिट्टी है, वो ह्यूमस है उसके अंदर, ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब क्या है, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी उसने खाई है, क्योंकि खेत के अंदर जो ऊपर जो मिट्टी है, ये मिट्टी उसने खाई है केचुए ने। अब उसमें क्या है, ह्यूमस है, तो ह्यूमस का मतलब क्या है कि इसमें अम्ल की मात्रा है। तो कैल्सीफेरस ग्रंथियां क्या काम करती है, ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर देती है, अम्ल को उदासीन कर देती है। अब देखो अगर भोजन में प्रोटीन थी तो प्रोटीएस एंजाइम ने उसको पचा दिया, भोजन को नम भी बना दिया, और पेशनी ने उसको बारीक पीस भी दिया। अमाशय में कैल्सीफेरस ग्रंथियां हैं और जिसने ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर दिया। अमाशय क्या है, 9 से 14 खंड तक है, ठीक है। अब बात आती है अंतर की, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और बच्चों को थोड़ा सा टफ लगने वाला टॉपिक, वो क्या है, अंतर है। बच्चे ऐसे ही डरते हैं इससे, लेकिन ये बहुत ही सरल टॉपिक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखो अंतर, सबसे पहले आपको बात ये लिखनी है कि पंद्रहवें खंड से अंतिम खंड तक अंतर पाई जाती है, पंद्रहवें खंड से अंतिम खंड तक अंतर पाई जाती है। अंतर के तीन भाग हैं, पूर्व टिफ्लो सोलर क्षेत्र, टिफ्लो सोलर क्षेत्र, पश्च टिफ्लो सोलर क्षेत्र। पूर्व का मतलब क्या है, जो
पंद्रहवें से शुरू हुआ है, पंद्रहवें से शुरू हुआ है, तो टिफ्लो सोलर में आप क्या लिखोगे, 15 से 26वें खंड के बीच में पाए जाने वाला क्षेत्र पूर्व टिफ्लो सोलर क्षेत्र कहलाता है। 15वें से 26वें खंड के बीच में पाए जाने वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, पूर्व टिफ्लो सोलर क्षेत्र कहलाएगा। इसमें होता क्या है बच्चों, अंतरशिका पाई जाती है इसमें। अंतरशिका क्या होती है, अंतरशिका होती क्या है, देखो अंतरशिका क्या होती है, जैसे कि ये अमावस्या का ये भाग है, अंतर का भाग है जैसे ये, अब यहाँ पर इस तरह की ये संरचना निकली होती है इस तरह की, ठीक है, ये ऐसी, इसको क्या बोलते हैं, अंतरशिका, अंतरशिका बोलते हैं। जो चित्र मैंने आपको दिखाया था उसमें इस तरह की संरचना है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतरशिका बोलते हैं, ठीक है। याद रखो इसको कि 15वें से 26वें खंड के मध्य में स्थित है पूर्व टिफ्लो सोलर क्षेत्र, और एक जोड़ी पार्श्वीय शंकु उभार पाए जाते हैं। यहाँ ये क्या है, एक जोड़ी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक जोड़ी पार्श्वीय उभार, एक जोड़ी पार्श्वीय उभार है जिनको क्या कहते हैं, अंतर सिक्का कहते हैं। पेपर में आ जाए कि अंतर सिक्का किसे कहते हैं, तो आप लिखो पूर्व टिफ्लो सोलर क्षेत्र में एक जोड़ी पार्श्वीय उभार पाए जाते हैं जिनको अंतर सिक्का कहते हैं। बस इतनी सी बात इसमें आपको लिखनी है और कुछ नहीं लिखना आपको इसमें, ठीक है, जितना हमारी बुक में है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में दूसरा भाग, टिफ्लो सोलर क्षेत्र 27वें खंड से लेकर के, देखो 15 से 26 तो पूर्व टिफ्लो सोलर क्षेत्र हो गया ना, 27वें से लेकर के अंतिम खंड तक टिफ्लो सोलर क्षेत्र है, लेकिन दो खंडों को छोड़ दो, 23, 24 और 25, इनको छोड़ दो, 23, 24, 25 को, यानी 23 से 25 को छोड़कर बाकी 27वें से लेकर के अंतिम तक टिफ्लो सोलर क्षेत्र है। टिफ्लो सोलर क्षेत्र के अंदर होता क्या है, टिफ्लो सोलर क्षेत्र में होता क्या है, इसके अंदर रसांकुर होते हैं, क्या होते हैं, रसांकुर, इसके अंदर क्या है, रसांकुर है, रसांकुर जो क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, अवशोषण, भाई जो भोजन इसने खाया है, केचुए ने मिट्टी खाई है, मिट्टी ह्यूमिक युक्त थी, ठीक है, ह्यूमस युक्त थी, उसमें प्रोटीन भी थी, उसमें पोषक तत्व थे, आपको पता है कि मिट्टी में लगभग 17 प्रकार के पोषक तत्व खेती के अंदर काम आते हैं, अब वो सारे के सारे पोषक तत्व उसके अंदर है, अब इसने वो खाया, खा करके अब ये जीवित कैसे रहेगा, उस मिट्टी से तो जीवित रहेगा, तो उसका पाचन हो गया, जैसे गर्सनी में हो गया, लार से प्रोटीन का पाचन हो गया, भोजन नम भी हो गया, पेशनी में और उसको पीस दिया गया, फिर वो अमाशय में आया, अमाशय में उसके अंदर कैल्सीफेरस ग्रंथियां थी, अमाशय के अंदर उन्होंने क्या काम किया, जो ह्यूमिक अम्ल था उसको उदासीन कर दिया, और अब आंत में क्या होता है, आंत के अंदर पूरी बॉडी की रुधिर वाहिनिकाएँ जुड़ी होती हैं, वहाँ से अवशोषण हो जाएगा, इसके पूरे शरीर को क्या मिलेगा, उस भोजन की ताकत मिलेगी, ठीक है। तो टिफ्लो सोलर क्षेत्र 27वें खंड से अंतिम खंड तक टिफ्लो सोलर क्षेत्र है, 23वें और 25वें खंड को छोड़ दो, और इसी टिफ्लो सोलर क्षेत्र में रसांकुर है जो अवशोषण का कार्य करते हैं, बस इतनी बात आपको लिखनी है। लास्ट लिखो पश्च टिफ्लो सोलर क्षेत्र, तो 23 और 25वें खंड में पश्च टिफ्लो सोलर क्षेत्र होता है, कौन सा होता है, पश्च टिफ्लो सोलर क्षेत्र, ठीक है। ये संरचना जो मैंने बनाई थी ना, ये संरचना मैंने बनाई है इस तरह से, ये ऐसे बनाई है, तो ये तो मैंने क्या बोला, अंतरशिका है, और यहाँ पर इस तरह से आपको पॉइंट दिखाई देंगे जिनको क्या बोलेंगे, पश्च टिफ्लो सोलर बोलेंगे, पश्च टिफ्लो सोलर, टिफ्लो सोलर क्षेत्र बोलेंगे इनको। अब पश्च टिफ्लो सोलर क्षेत्र का क्या काम है,
इसी को हमें पश्च टिफला सोलर क्षेत्र को ही मल या मलाशय कह देते हैं, मलाशय क्षेत्र भी इसी को बोलते हैं। इसकी भित्तियाँ पतली होती है, इस भाग में टिफ्लोसोल नहीं होता, मतलब टिफ्लोसोल तो ऊपर हो गया ना, टिफ्लोसोल तो 27 से अंतिम खंड में है, लेकिन 23-25 में नहीं है। 23-25 में क्या है, पश्च टिफ्लोसोलर, ये पॉइंट से हैं, 2-3 पॉइंट से हैं, ये इस तरह के छिद्र हैं जिसको पश्च टिफ्लोसोलर बोलेंगे, इसी को मलाशय भी कह देते हैं, ठीक है। और ये क्षेत्र जो है ना, गुदा के द्वारा बाहर की ओर खुलता है, ये पश्च टिफ्लोसोलर क्षेत्र जो है गुदा से बाहर की ओर खुलता है, यानी इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो एकत्रित रहते हैं। अब ये गुदा द्वार से जो मल त्याग करता है वो कैसा करता है, छोटी छोटी गोलिकाएं त्याग करता है, छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में मल त्यागता है, केचुआ, ठीक है, त्यागता है, छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में मल त्यागता है केचुआ। ये काम कहाँ से करेगा, ये 8 नंबर पर लास्ट क्या है, गुदा से ये काम करेगा, ये लास्ट गुदा के बारे में आप ये लिखोगे कि छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में मल त्याग करता है, और गुदा क्या है, अंतिम खंड है, क्या है, अंतिम खंड, अंतिम या आखिरी खंड के पश्च छोर को क्या कहेंगे, देखो लिख देता हूँ, आखिरी खंड के पश्च छोर पर, ये लिखा हुआ देखो, आखिरी खंड के पश्च छोर पर स्थित छिद्र गुदा द्वार है जिससे छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में मल त्याग होता है, ठीक है, ये हो गया पूरा। अब ये जो छोटी छोटी गोलिकाएं हैं इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, कर्मी कास्टिंग बोल देते हैं इसको, ठीक है, कर्मी कास्टिंग्स या वर्म कास्टिंग्स भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है, कास्टिंग्स बोल देते हैं। ये क्या है, किसानों के लिए उपयोगी होती है, जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, हमारा पाचन तंत्र हो गया। इस तरह से 8 पॉइंटों में पूरे पाचन तंत्र को आपको लिखना है।